क्लास थ्री है हमारी, और क्लास थ्री का हमारी ये बुक है और हमारा टॉपिक है इसम। किसी भी चीज़ के नाम को इसम कहते हैं। आपने पहली बात याद रख लेनी है, किसी भी चीज़ के नाम को इसम कहते हैं। जैसे आपका नेम होता है, आप कोई चीज़ जिसमें खाना खाते हैं उसका भी नाम होता है, जैसे प्लेट हो गई, आप पानी पीते हैं ग्लास हो गया, हर चीज़ का नाम है ना, तो हर चीज़ के नाम को इसम कहते हैं। मसलन मेज़, शेर, अहमद, दरख्त, टोपी वगैरह। नीचे कुछ अल्फाज लिखे हैं, उनमें से इसम चुनकर खाली जगह में लिखें। आपने इनमें से इसम चुनना है, जैसे चिड़िया लिखें जूता, तो यहाँ आपके पास इसम क्या है, चिड़िया, और आपके पास दूसरा इसम क्या है, जूता, तो जूता और चिड़िया, इन दोनों को आपने यहाँ लिखना है। फिर आता है खाती, बिल्ली और लिखा, तो यहाँ पे आपने जो बिल्ली है इसको यहाँ पे लिख देना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास लाहौर, कहो, साजिद, यहाँ लाहौर जो है ये भी शहर का नाम है, इसको भी आपने इधर लिख देना है, और साजिद बंदे का नाम है, इसको आपने इधर लिख देना है। यानी किसी भी चीज़ के नाम को इसम कहते हैं, चाहे वो कोई बंदा है, कोई शहर है, कोई जगह है, ठीक है, कोई चीज़ है, कुछ भी है, उसको इसम कहते हैं। नीचे दिए हुए जुमलों में से इसम के गिर्द दायरा लगाएं। नीचे जुमले जो हैं उनमें से जो इसम है उसके गिर्द दायरा लगाना है। बच्चे ने साबुन से हाथ धोए, यहाँ जो बच्चा है इस पर आपने दायरा लगाना है, ठीक है, और जो साबुन है इससे इस पर आपने दायरा लगाना है। लेकिन जो नेक्स्ट हम देखेंगे, बिल्ली दूध पी रही है, तो जो बिल्ली है इस पर आपने दायरा लगाना है। यहाँ पहले में भी आप ये जो बच्चे हैं इस पर आपने सिर्फ दायरा लगा देना है, ठीक है, और जो साबुन, चलो इस पर भी दायरा अगर लगा दें तो भी गलत नहीं है, क्योंकि साबुन कोई भी हो सकता है। अली पर आपने दायरा लगाना है, ठीक है। फिर क्रिकेट बहुत अच्छा खेल है, तो क्रिकेट पर आपने दायरा लगाना है। कमरे की खिड़की खुली है, ठीक है, कमरे पर दायरा लगा देना है आपने। नेक्स्ट हमारे पास आता है फेल। फेल का मतलब है काम, कोई भी जो काम आप करते हैं वो फेल होता है। मसलन अली भागा, मैं भागा, फेल है, ठीक है। इसमें अली भागा में भागा जो है फेल है किसी भी काम को, क्योंकि अली भागता है तो ये फेल है। नीचे कुछ अल्फाज हैं, इनमें से फेल चुनकर खाली जगह में लिखें। तो जो फेल है कोई भी काम को कहते हैं, दौड़ा ये फेल है, ठीक है, सोया ये भी फेल है, लिखा ये फेल है, जागा ये फेल है, ठीक है, खेला ये फेल है, और पढ़ा ये भी फेल है। नीचे दिए हुए जुमलों को देखें, फेल के गिर्द दायरा बनाएं। जुमले देखने हैं और जो फेल है उनके गिर्द दायरा बनाना है। जिस तरह सारा रोज़ स्कूल जाती है, तो ये जाती जो है ये फेल है। अहमद ने किताब पढ़ी, ये जो पढ़ी है ये फेल है। फिर बिल्ली दौड़ी, ये जो दौड़ी है ये फेल है। तोता बोला, ये जो बोला है ये फेल है। अम्मी ने सवाल पूछा, ये जो पूछा है ये फेल है। तो इसम और फेल के बारे में देख चुके हैं। नीचे दिए हुए जुमलों को देखें, इनमें से फेल और इसम को दुरुस्त जगह में लिखें। तो इसम और जो फेल है उनको दुरुस्त जगह में लिखना है, जैसे अब्बू घर आए हैं, इनमें से फेल और इसम को दुरुस्त खाली जगह में लिखना है, ठीक है, यहाँ आपने लिखना है अब्बू घर आए हैं। यहाँ जो अब्बू है वो इसम है, ठीक है, और जो आए हैं यानी कि आए ये फेल है। आसमान पर जहाज़ उड़ रहा है, तो जो जहाज़ है ये इसम है, और उड़ना जो है ये फेल है। साजिद बाज़ार से सब्ज़ी लाया, साजिद जो है ये इसम है, ठीक है, और सब्ज़ी यानी कि लाया जो है ये फेल है, और सब्ज़ी भी इसम है। किसान ने हल चलाया, किसान इसम है और चलाना फेल है। बाजी कपड़े धोती है, बाजी इसम है और ये जो धोती है ये फेल है। तो इस तरह नून और इसका इस्तेमाल आपने देख लेना है, नून गुना का। नेक्स्ट जो हम
जुमले बनाएंगे। सो गाना सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन गुड बाय फॉर नाउ।